हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पलजाकर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा सिंपलीफाई। हमें सिंपलीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। ए पार्ट है हमारा x2 - 5 ब्रैकेट में। देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम। x को हम x वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले डिजिट से, देन माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस फाइव से, प्लस 20। आपको बताइए कैसे है। देखिए हमने x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करा इस डिजिट से, देन 5 को इस डिजिट से ही अगेन मल्टीप्लाई करा, देन हमें और प्लस में 25 ऑलरेडी है। सो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x की पावर 3 हो जाएगी, x से x मल्टीप्लाई, देन 1 पावर एंड 2 पावर इज 3। इसकी पावर 2 हो जाएगी। ओके, इसके बाद सेम साइन एडिशन डिफरेंस एंड सबट्रैक्शन। 5 5 = 25, देन प्लस का 25। अब देखिए यहाँ पे कोई कट रहा है या फिर कुछ भी हो रहा, मीन्स कट रहा है या फिर ऐड हो रहा है। देखिए कट रहा है हमारा, 25 and 25, यहाँ प्लस कर देने या माइनस कर, तो कट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी स्टेटमेंट बची, ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा फर्स्ट का आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए बी पार्ट भी सेम ही होगा। बी पार्ट में भी हम ए को ए की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी की पावर 3 से, देन 3 से। उसके बाद प्लस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बी की पावर 3 से, देन 3 से प्लस 5। ओके, लास्ट को लास्ट पार्ट की तरह है। सो ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी होगा, देन ए की पावर 2, देन बी की पावर 3। उसके बाद ए को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए की पावर 2 हो जाएगी। 5 को जब बी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बी 3 हो जाएगी, 5 3 = 15 हो जाएगी, देन प्लस का 5 हो जाएगी। ओके, यहाँ तक सॉल्व हो गया। आप देखिए कोई यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कट रहा है। तो देखिए कट तो कोई नहीं रहा, प्लस हो रहा, लेकिन देखिए a की पावर 2 b की पावर 3, देन 3 a की पावर 2 प्लस 5 b की पावर 3, यहाँ पे प्लस हो रहा, क्या हो रहा, प्लस 20। तो ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। देखिए 50 प्लस 5 इज 20। ओके, सेकंड का आंसर हो गया। देन उसके बाद हम सीखेंगे थर्ड का, सी। सी का देखिए टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मींस टी को मल्टीप्लाई टी 2 से, देन माइनस एस से। उसके बाद प्लस एस को 2 से, टी को 2 से एंड माइनस एस से। ओके, अब देखिए टी की 3 हो जाएंगी एक पावर एंड 2 पावर, मींस टी की पावर 3 माइनस टी एस हो जाएगा, देन प्लस का एस की पावर 2 टी की पावर 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, देन एस एस 2 बार हो जाएगा 1, 3 टाइम 3 पावर हो जाएगी। अब देखिए कोई भी सेम नहीं, ना ही कोई कट रहा है, सो आंसर हमारा यही है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसको, देन इसको इससे, देन इसको इससे, ऐसे आगे तक करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। उसके बाद सेम साइन एडिशन डिफरेंस साइन सबट्रैक्शन, तो माइनस होगा। ए को अगर हम डी से करेंगे तो ए डी। उसके बाद बी की बाय, बी प्लस का है देन सी प्लस का, तो प्लस का बी सी हो जाएगा, देन माइनस का बी डी हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस का निशान है। अब देखिए इसको इससे करेंगे, देन इसको इससे करेंगे। ओके, ए सी प्लस प्लस के हैं तो प्लस ए सी हो जाएगा। ए डी देखिए ए यहाँ प्लस का है, देन यहाँ प्लस का, तो प्लस का ए डी हो जाएगा। ओके करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा बी को इससे, देन इससे, सेम साइन एडिशन डिफरेंस साइन सबट्रैक्शन, तो माइनस होगा बी सी, देन माइनस होगा बी डी। ओके, उसके बाद टू को इससे करेंगे, देन इससे करेंगे। ओके, टू को ए सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू ए सी,
प्लस का 2BD। ओके ये हो जाएगा। अब देखिए कोई कट रहा है या नहीं, तो देखिए AC एक बार है देन यहाँ प्लस का देन यहाँ प्लस का है, तो देखिए कट तो होगा नहीं, तो 1 2AC 2AC प्लस 2AC 4AC हो गया। ओके ये हो गया देन ये हो गया। उसके बाद AD यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का, तो ये कट हो जाएगा। ओके उसके बाद प्लस का BC यहाँ प्लस का है देन यहाँ माइनस का, तो ये भी कट हो जाएगा। माइनस का BD माइनस माइनस में, तो देखिए माइनस माइनस देखिए माइनस सेम साइन एडिशन होता है लेकिन माइनस का नहीं साइन आएगा तो BD। ओके देन उसके बाद हमारे प्लस हो रहा है 2BD। जब हम 2 को 2 में से माइनस करेंगे सेम साइन एडिशन डिफरेंस साइन सबट्रैक्शन, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, सो मींस ये तो एक दूसरे से कट जाएगा, पहले कट जाएगा यहाँ ये माइनस का देन प्लस का, तो आंसर आएगा हमारा 4AC। ओके सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स।